फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मूंग की दाल का हलवा। तो सबसे पहले हमने ये एक कटोरी मूंग की दाल ले ली है। इसको हम रात भर भिगोने के लिए रख देंगे। रात भर मतलब होता है तीन घंटे सफिशियंट होते हैं। तो अब हम इसको इतना इससे डबल वाटर लेंगे और उसमें इसको भिगो देंगे। सो फ्रेंड्स, मूंग की दाल के हलवे के लिए ये जो दाल हमने 4 घंटे भिगोई थी उसको मैंने अच्छे से इसका पानी निकाल लिया है। पानी निकालने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अगर हम पानी नहीं निकालेंगे तो फिर वो पीसने पे बहुत दिक्कत करेगी या जल्दी एकदम पतली सी हो जाएगी और फिर हलवा अच्छा नहीं बनेगा, जल्दी से वो ड्राई नहीं होगा। तो इसके लिए जो मेन इन्ग्रीडियंट है वो ये सब है। मूँग की दाल हमने एक बाउल जो ली थी वो 1 ग्लास के लगभग ये दूध है। ये थोड़े से दूध में मैंने केसर को अच्छे से मिक्स करके ले लिया है। ये जो दूध की आज के दूध की जो मलाई निकली थी वो है थोड़ी, 1 चम्मच के लगभग इलायची। और जितनी हमने मूंग की दाल ली थी एक बाउल, तो मैंने 3/4 ये मैंने उस बाउल का घी ले लिया है। थोड़े से ये नट्स हैं इसमें, ये वॉलनट, काजू और ये बादाम, ये सब मैंने ले लिए हैं। अब हम हमारा प्रोसेस चालू करेंगे। अब हम ये मूंग की दाल को पीस लेंगे और मैं ज़्यादातर ये चटनी वाले जार का यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे यही पसंद है दाल वगैरह पीसने के लिए। आप चाहें तो इसको दरदरा भी रख सकते हैं आपको पसंद है तो, नहीं तो आप इसको बारीक पीस सकते हैं। तो बारीक पीसने से ये होगा कि ये जो हलवा है ये मुंह में पूरा घुल जाएगा, लेकिन मैं इसको थोड़ा दरदरा रखूँगी। अब फ्रेंड्स, ये हमारे जो ड्राई फ्रूट्स थे वॉलनट और ये काजू, इनको हम घी में थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। बादाम को मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो पहले से भिगोए हुए हैं, तो उसको जब हम मूंग की दाल में डालेंगे तो वो थोड़ा उसमें सिक जाएंगे। मैंने ये नॉन स्टिक पैन लिया है। बेटर ये होता है कि हम लोहे की कढ़ाई लें, अभी वो मेरे पास अवेलेबल नहीं थी तो मैंने ये नॉन स्टिक पैन ले लिया। फिर आप इसको सिल्वर की कढ़ाई में ना बनाएं क्योंकि बहुत ज़्यादा चिपकता है फिर वो, तो लोहे की कढ़ाई बेस्ट है। अगर वो आपके पास नहीं है तो आप ऐसे नॉन स्टिक पैन यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें से 1 चम्मच घी ले लिया था, अब बाकी घी भी मैं इसमें डाल दूंगी। अब जो प्रोसेस होगी वो आपको फटाफट करनी है और मंदी आंच पे करना है। आप चाहे तो थोड़ी देर के लिए गैस को ऑफ भी कर सकते हैं, तेल वो घी को गर्म होने के बाद। अब हम इसमें ये अपना पूरा जो पेस्ट है बनाया हुआ ये डाल देंगे जल्दी जल्दी। इसमें क्योंकि गुठलियाँ पड़ जाती है इसलिए हमको इसको जल्दी जल्दी अच्छे से मिक्स करना होगा, गुठलियाँ नहीं पड़ने देना है। पूरा बनने में 1.25 घंटा लेगा, लगभग आधे से 1.25 घंटा, और अगर ये ज़्यादा होता है तो 1 घंटा 1.5 घंटा भी लग सकता है इसको सिकने में। बस इस स्टेज पे आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है, इसको धीमी आँच पर सेकते जाना है। ये फ्रेंड्स देखिए, सिकना स्टार्ट हो गया है, ऐसे ही ये दरदरा सा होने लग गया है। घी इसने पूरा अपने अंदर सोख लिया है और बहुत अच्छा रहेगा अगर आपके पास और भी हाथ है, और भी हेल्प है, तो नहीं तो बहुत थकान हो जाती है इसको सेकते सेकते। बस पेशेंस रखना है और सेकते रहना है तो ही आपका हलवा बहुत अच्छा बनेगा, नहीं तो ये जलने लग जाएगा और सिकेगा नहीं अच्छे से। तो फ्रेंड्स, आधा घंटा मुझे हो गया है इसको सेकते हुए। ये और भी डार्क येलो कलर की हो गई है,
धीरे धीरे ये गोल्डन ब्राउन होती जाएगी, तो मुझे इसमें लगभग 15 मिनट और लगेंगे। तो जो मैंने बताया था आधे से पौन घंटा वो ही लगेगा, फिर हम इसमें अपना सीक्रेट डाल देंगे। अब फ्रेंड्स जो ये हमारे मूंग की दाल है ये थोड़ी अच्छे सिक गई है और इसमें 10 मिनट की कसर है अभी। तब तक हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर कर कर और इधर हम आते हैं। ये मैंने 2 चमचा जो घी है वो लिया है और उसी चमचे से मैं ये 1.5 चमचा इसमें डालूंगी आटा, जो हमारा नॉर्मल आटा जो हम यूज करते हैं, और इसको हम सेक लेंगे अच्छे से। ये देगा हमारे हलवे को एकदम नटी फ्लेवर। कुछ जो हलवाई है वो यूज करते हैं इसकी जगह है सूजी, तो मैंने थोड़ा दरदरा रखा है अपने हलवे को, इसलिए मैं सूजी यूज ना कर इसमें आटे का यूज कर रही हूँ। ये सिक गया है, अब मैं इसको अपने हलवे में डाल दूंगी। आप चाहे तो जो आपने पहले घी में हलवा डाला था, सॉरी मूंग की दाल डाली थी, उसमें भी आप थोड़ा सा आटा डालकर फिर बाद में मूंग की दाल डाल सकते हैं, आपकी इच्छा पर है। मैं इसको बाद में ही डालूंगी और फिर इसको हम मिक्स कर देंगे और फिर से इसको 10 मिनट के लिए हम सेकेंगे अच्छे से जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाती। अब इसको 5 से 7 मिनट और सेकना है, तो मैं इस स्टेज पर इसमें मैं डाल दूंगी अपने सारे जो नट्स थे वो, ये बादाम, ये काजू और अखरोट। अब फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारी दाल एकदम गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। इसके अंदर अब हम चीनी डालेंगे, तो वैसे तो मैंने ये एक बोल ली है लेकिन मैं पूरी नहीं डालूंगी इसमें क्योंकि ज्यादा चीनी कोई खाता नहीं यहाँ पर, तो मैंने ये लगभग 3/4 बोल चीनी इसमें डाल दी है। ये मैंने चीनी को पीस लिया था, पीसने से क्या है ये अच्छे से मिक्स हो जाती है, नहीं तो फिर इसके दाने रह जाते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे जो हमारे आज के दूध की मलाई थी, ये क्योंकि हम इसमें मावा यूज नहीं कर रहे हैं इसलिए हम इसको डाल देंगे। ये आप बाद में ही डालें ये सारी चीजें क्योंकि ये चीनी को घुलने में मदद करेगा इसलिए। और दूध ये मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके डालने से ही होगा, गुठलियां नहीं पड़ेगी। और इस दूध के बाद हम इसमें डाल देंगे ये जो हमारा केसर वाला हमने घोल रखा था दूध जी। इससे एक बहुत अच्छा कलर और टेस्ट आएगा इसमें। और फिर हम डाल देंगे ये इलायची। अब फ्रेंड्स इसका पूरा जो दूध है वो इसमें एब्जॉर्ब हो चुका है, इसको हम हल्का सा और सेक लेंगे ताकि ये घी अच्छे से छोड़ दे और फिर हमारा हलवा बनकर एकदम रेडी है खाने के लिए।